नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलं वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टर्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्याद्दर्पणाय ते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहुतायाति वै अरहंताज महान। वस्तु व्यवस्था जिसे प्रवचन सार जी में पारमेश्वरी व्यवस्था का पारमेश्वरी व्यवस्था का अर्थ है परमेश्वर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था नहीं समझना, परमेश्वर के द्वारा केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष देखी गई व्यवस्था, परमेश्वर के द्वारा दिव्य ध्वनि द्वारा बताई गई व्यवस्था, अकृत्रिम व्यवस्था है, किसी के द्वारा बनाई नहीं गई। ये बात कहकर के क्या कहना चाहते, इस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जो व्यवस्थाएं बदलने में लगी रहते हैं, व्यवस्थाएं बनाने में लगे रहते हैं, व्यवस्थाओं को लक्ष्य करके राग द्वेष करते रहते हैं, वे अपना अमूल्य भाव अमूल्य अवसर खो बैठते हैं। वस्तु व्यवस्था को समझे बिना मति व्यवस्थित नहीं होती। वस्तु व्यवस्था को समझने पर मति व्यवस्थित होती और मति व्यवस्थित हुए बिना दुख दूर नहीं होता। इसलिए जिन्हें दुख दूर करना हो, सुखी होना हो, उन्हें वस्तु व्यवस्था को समझना चाहिए। दोपहर को भैया बैठे महावीर की शिक्षाओं की चर्चा चल रही है, महावीर की शिक्षाओं पर गोष्ठी होनी। हमने कहा बताओ होनी क्या है, ये तो बताओ। महावीर की शिक्षाएं तुम्हारे बालबोध के हिसाब से, पहली शिक्षा क्या है, सभी जीव समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो ये तो सिद्धांत है, शिक्षा क्या है इसमें, किसी जीव का अनादर मत करो, किसी जीव का तिरस्कार मत करो, किसी जीव के साथ दुर्व्यवहार मत करो, समानता का व्यवहार करो। जैसा व्यवहार दूसरे से आप अपने प्रति चाहते हैं, आप वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना सीखो। कोई दृष्टांत याद है,
खेत में जो काटना चाहते हैं वो खेत में बो, और नहीं तो जो उग जाएगा ना समझी से या दूसरों के कहने में आने से तो फिर वही काटना पड़ेगा। इसलिए काटने के समय आकुल व्याकुल होने से कोई लाभ नहीं, बोने के समय में खूब विचार करो, बोने का समय मत चूको और बोने लायक बो, जो आपको काटना है वो। जब आपको दुख काट सुखी होना है तो सुख के बीज बो। अब दुख के बीज बो और सुखी हो कैसे होगे भाई? विचार करो, जब सुखी होना है तो अपनी चित्त भूमि में अपनी परिणति में सुख के बीज बोना चाहिए। सम्यक तो सुख का बीज है, मिथ्या दुखों का बीज है। जो काटना है सो बो। अरे हमारे घरों की तो संस्कृति है, भोजन भी बनना हो तो घर में जो बुजुर्ग होते ना, दादाजी क्या बना ले आए, तो उनकी सीधी बात है, बेटा जो खाना हो तो बना ले, नहीं आप बता, अरे जो बन जाएगा तो खा लेंगे, हमें क्या। लेकिन एक तरीका है, क्या पूछने की समझ में आया ना, इतनी विनय तो होना ही चाहिए, लौकिक शिष्टाचार है कि दादाजी अम्मा जी क्या बना ले, बेटा जो खाना हो सो बना। अब विचार करो, जब पूछे तब तो दादाजी बोले नहीं जो बनाओ जो बन जाएगा तो खा लेंगे, और जब खाने का टाइम आया तब जी काय को बना दिया, ये किसने कहा था नहीं? तुमने ये क्यों नहीं बनाया? आज तो पहले कह दी थी ना। अब क्या उपाय, जब थाली सामने आ गई और जो हमें नहीं चाहिए वो सामने आ गया और जो इच्छा है सो नहीं सामने आया, अब क्या करें बता? थाली फेंक दो, फेंक दो, उससे क्या हो जाएगा? घर का वातावरण बिगड़ जाएगा, पाक का बंद होगा। तीसरी बात बोलना बहुत कठोर है, भोजन के लिए तरस जाओगे आगे, ऐसा भोजन भी नहीं मिलेगा। भोजन को लक्ष्य करके क्रोध करोगे, मन खराब करोगे, तो भैया उस पाप के उदय से तुम्हें कभी अनुकूल भोजन भी नहीं मिलेगा। साधना के अनुकूल नहीं मिलेगा, इच्छा के अनुकूल भी नहीं मिलेगा। तो अब क्या उपाय है भाई? क्या उपाय ये है, जो बन गया उसे शांति से खा ले। अब हमें घर में जो बहू है या माँ है बहन है, दादाजी अब शाम को बना देंगे। हाँ ठीक है बेटा, शाम को बना देंगे, यही तो उपाय है। शांति का उपाय क्या है बोलो? और नहीं तो क्लेश करना, ये तो कोई उपाय नहीं है। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं है। जो आ गया, हम कहते तमाम लोग नियम लेते हैं, जे रसी करेंगे, जे नियम करेंगे, जे फलाने करेंगे। हम पहले नंबर पर एक नियम बताते हैं कि भैया आपके सामने जो भोजन आया है, भक्षा वक्ष की विवेक तो रखने की बात ही है, लेकिन जो आया है बहुत शांत से बहुत प्रेम से कर देना चाहिए। पहला नियम करो, भोजन को लक्ष्य करके मन नहीं बिगाड़ेंगे, संकलेश नहीं करेंगे। ध्यान रखना पुण्य के उदय प्राप्त, पुण्य के उदय प्रमाण सामग्री में संतुष्ट रहना ये व्यवहार है, और स्वभाव में संतुष्ट होना वह परमार्थ है। जो पुण्य के उदय प्रमाण सामग्री में ही संतुष्ट नहीं हो पाता है, इतनी भी पात्रता और पुरुषार्थ नहीं है, वह स्वभाव में संतुष्ट क्या होगा? छोटी छोटी कहानियों में लेखक लोग लिख देते हैं। एक सेठ के यहां एक नौकर, भोजन कराने का काम उसी का था।
लेवा जाए, बैठा दे, भोजन करा दे। भोजन के समय उसने काजर से बोले, भाई एक काम करो, आज तो ककड़ी खानी है, पहले ककड़ी खानी। हाउस अभी ककड़ी ले आए, ककड़ी लाया जर से, वहां से ककड़ी बना के उसको, जैसे ही उसने मानो दी, एकदम कड़वी छोड़ दी, कड़वी ककड़ी आ गई, थूक दी। जल्दी में उसने चक्कर के नहीं दी, सीधी बसी दे दी तो थूक दी। थूक दी तो अब उसे कहा, ले भाई बेटा तू खा ले। उसने ली और ककड़ी खाई, और पूरी ककड़ी खा ली। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, पहले तो सोचा बच्चा डर गया है इसलिए कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप खा रहा है। वैसे कहा, बेटा ककड़ी तो बहुत कड़वी थी। कि हाँ, ऐसी कड़वी थी चाहे कोई थूक देगा, तो तूने कैसे खा ली? कि आप रोज मीठी देते हैं, मिष्ठान खिलाते हैं, तो प्रसन्नता से खाते, आज ककड़ी आपने कड़वी दी तो अब आज मन क्यों बिगाड़े? अरे मीठा भी रस है, कड़वा भी रस है। और सुनो, ये कड़वी कड़वी चीज से परहेज करते तब तो डायबिटीज होती है, मीठी मीठी की राह में फिर कड़वी कड़वी खानी पड़ती है। आप हमारे मालिक, उसने बच्चे ने कहा, आप हमारे मालिक, आपके हाथ से जो चीज मिल जाए हमें तो संतोष सिखा भी लेना है ना, जैसी राख होते तैसी रहेंगे, जो दे दिया सो पहन लिया, जो अपने मिल गया सो खा लिया। भोजन तो किया, सेठ का दिमाग घूम गया, वो छोटा सा बच्चा बोला है, कड़वी में द्वेष नहीं, गुस्सा नहीं, और मीठी में ये क्या? सचमुच अपने उदय प्रमाण जो सामग्री मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। हम इतने, एक छोटा सा बच्चा हमको शिक्षा दे रहा है, हम इतने बड़े होकर के भी जरा जरा सी मिर्ची कम है, जरा नमक कम है, जरा ये कम है, आज हमसे खपता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, पेट नहीं भरा, क्या पागल हो गए? पेट तो क्या करें, अब तक अगड़ जड़ द्रव्यों से पेट तो भरा ही नहीं और भरना भी नहीं है। आगे पीछे की बातें छोड़ दो, इस जन्म में भी कितना खाया पिया है, कभी पेट भरा है? और पेट भरने के लिए जीवन है क्या? इस जीवन को ज्ञान और वैराग्य से भरो। यह जीवन ज्ञान वैराग्य से भरोगे, जीवन ज्ञान आनंद से अपने आप भर जाएगा। जब तुम्हें प्राप्त सामग्री में ही संतोष से शांतता से रहना नहीं आ रहा है, तब फिर बिना सामग्री के, बिना साधनों के, निर्गंथ मार्ग में आत्मा की आराधना के बल से संतुष्ट होना कैसे आएगा, ये बता। ये राजा ऐसी बातों में मन बिगाड़ते रहते हैं, उलझनों में उलझते रहते हैं, राग द्वेषों में उलझते रहते हैं, ये पागलपन है भाई। तुम्हारी सारी भक्ति निरर्थक, तुम्हारी सारी पूजा निरर्थक, तुम्हारी सारा स्वाध्याय निरर्थक, फूटे घड़े के समान। तत्व का प्रयोग आना चाहिए, स्वाध्याय का प्रयोग आना चाहिए। ये वितराग विज्ञान है, इसका प्रयोग, विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है, प्रयोग होता है ना, और प्रयोग में फेल तो फेल। आपको इस सिद्धांत का प्रयोग करना नहीं आया, सब जीव समान है, कोई छोटे बड़े नहीं है। तुम अपने को ज्यादा समझ, काय से ज्यादा समझ रहे हो? हम पे पैसा याद है, हमारी उम्र याद है, हमें बुद्धि याद है, अरे कितनी याद है, क्या है ये? तो सब अधर्म है, विनाशी के, ये तुम्हारी नहीं है। न पैसा तुम्हारा है, न शरीर तुम्हारा है, और न जो छाय समय बुद्धि तुम्हारी है। काय से तुम अपने को बड़ा मान रहे हो? सब जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। ये बड़े छोटे की भावना से अभिमान और दीनता क्यों आ जाती है? आज अपन साधर्मी बैठे हैं, त्यागी के रूप में बैठ जाते हैं,
और फिर भी किसी का छोड़ से हम कम है तो ये समझते जी कुछ नहीं, ये काम ये करता रहे, मैं अपना स्वाध्याय करता हूं। तूने अपना क्या समझ रखा है? ध्यान रखना, ये बुद्धि नहीं मिलेगी, ये क्षयोग नहीं मिलेगा, ये संयोग सामग्रियां नहीं मिलेंगी, ये अपने पुण्य का घात कर रहे आप। पुण्य के उदय पाक का सदुपयोग करना सीखो, वेद ज्ञान रखना सीखो। हमारे एक एक समय का, एक एक समय हमारा, शक्ति का एक एक कण, बुद्धि का एक एक परिणाम आराधना और प्रभावना के लिए, बाजमा की किसी दूसरे के लिए नहीं। जैसे सीता जी ने कहा था हनुमान से, कह देना राम से, जनक सुता का जीवन राम के लिए है और किसी के लिए नहीं। वस्तु व्यवस्था की चर्चा करते हुए भी यदि हमारी मति व्यवस्थित नहीं होती और राग द्वेष में उलझने में, मन टेंशन में और दिमाग खराब करने में लगा रहता है, तो समय लेना चाहिए। हम अनादर करते हैं, उपेक्षा करते हैं। वस्तु व्यवस्था को समझे बिना मति व्यवस्थित नहीं होती और मति व्यवस्थित हुए बिना दुख दूर नहीं होता, सुख की प्राप्ति में, इसलिए वस्तु व्यवस्था बताई। विचारना, सब जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बस अपना अपन बड़े कर, बड़े होकर के इस बात को बोलते हैं, अपने को बड़ा समझ करके इस बात को बोलते हैं। सुनो ए बच्चे, सब जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। तुम सुना, तुम सुना, तुम सुना, तुम तो सुना, तुम क्या समझते हो? नहीं, इसकी बुद्धि कम है या ये जरा वैसा है, ये बाद में आया है, अभी आया, तो जी सब काम ये कर ले और मैं अपने आराम से बैठ करके स्वाध्याय कर लू, पूजा कर लू जाकर, ये पानी भर रहा है, ये सब कर ले, मैं टांग हिलाता रहूं, उंगली हिलाता रहूं, पर आज भी उंगली हिलाऊंगे, बस पैर की उंगली हिला दे रहा है बैठ करके, कच हम कुछ हो गए। अरे रे प्रभु, धिक्कार है। जो अपने को इस क्षयोक्ष्म ज्ञान से, जैसे पैसा से, रूप से, कुल से, जाति से, बल से, अधिकार से अपने को बड़ा मानता है, क्षयोक्ष्म से अपने को बड़ा मानता है, क्रियाओं से बड़ा मानता है, वह जी समझो क्या करे, पतन का द्वार खोलता है, पतन का द्वार खोलता है। साधर्मी को साधर्मी नहीं समझ पाए, जीव को जीव नहीं समझ पाए। अरे शरीर ही तो छोटा बड़ा है भाई, जीव को जीव नहीं समझ पाए, तुम्हें दया का परिणाम नहीं आया। साधर्मी को साधर्मी नहीं समझ पाए, तुम्हें वात्सल्य का परिणाम नहीं आया। बढ़िया, बढ़िया, विचार करो, सोचो, समझो। स्वाध्याय सामूहिक भी होता है, लेकिन स्वाध्याय सही पूछो व्यक्तिगत क्रिया है। बैठ करके अकेले जब विचार करोगे, लिखोगे, खूब चिंतन करो, उसका नाम स्वाध्याय है, तब आपका लक्ष्य भीतर जाएगा। यहाँ तो इनको और आप हमारी ओर देख रहे हैं, हम तुम्हारी ओर देख रहे हैं। अब मुख्य मार्ग कब बनेगा? जब आप अपनी ओर देखेंगे, हम अपनी ओर देखेंगे। और नहीं तो बताओ सुमेध सार जी में कैसे लिखा होगा, हमें कोखल सुधो, किसकी ओर देख करके लिखा बताओ? तुम एक हो सुधो, ये तो नहीं कहा, हमें कोखल सुधो, बताओ किधर देख रहे होंगे? व्यवस्थाओं में असंतोष, व्यवस्थाओं की शिकायत करते करते जीवन चला गया और व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती, जीवन पूरे हो जाते। अपनी अलग से व्यवस्था, भगवान की सामूहिक व्यवस्था, एक सामान्य व्यवस्था सब नहीं, हमारी अलग से व्यवस्था। अरे रे प्रभु,
तुम अलग से हो तो जाओ, तुम्हारी अलग से व्यवस्था होगी। हो तो जाओ अलग से, तुम भेद ज्ञान करते लो, अपने को अलग समझते लो, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। लगाओ तो धुन, लगाओ तो आराधना, रत्नत्र प्रकट करोगे, तुम्हें पूजा की अभिलाषा नहीं है तो भी तुम्हारी पूजा होगी। अब बिना रत्नत्र के तुम पूजा चाहो तो कौन पूजा करे? कोई अज्ञानी मोही स्वार्थी पूजा कर रहे तो कर रहे, लेकिन रत्नत्र के धारक मुनीश्वरों की, अनंत चतुष्टय के धारक अनंत भगवंतों की पूजा तो है, क्या कहें? तीन लोग के ज्ञानी धर्मात्मा श्रावक मुन्नाज भी करते, मुन्नाज भाव पूजा करते, भाव भक्ति करते। सम्मान चाहते तो सम्मान देना सीखो, स्नेह चाहते स्नेह देना सीखो। नहीं, हमें मिलना चाहिए, तुम्हें मिलेगा कहां से बताओ? जमा करे हो तब तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, बोगे तब तो तुम्हारे खेत में आएगा। तुमने बोया नहीं, जो चाहते हैं आप वो सुख चाहते हैं तो वस्तु व्यवस्था को समझना चाहिए। भगवान अलग नहीं होते, जो जी पुरुषार्थ करे वह स्वयं भगवान हो जाता है। क्या मतलब हुआ? ऐसा समझे बिना ग्रहित मिथ्या तो नहीं दूर होता। सारी जगह प्राय सब लोग ज्ञानियों को छोड़कर विश्व के व्यवस्थापक एक मानते हैं, कर्ता धर्ता एक मानते हैं, उसकी मर्जी के बिना। और दुख दूर करने के लिए वहीं गिड़गिड़ाते रहते हैं, वहीं राजी करने में लगे रहते हैं। पर को राजी करके, पर को प्रसन्न करके कौन सुखी हो पाया है? अपने को समझ करके ही सुखी हुआ जाता है, पर को राजी करके नहीं, पर को राजी करके नहीं, पर को प्रसन्न करके नहीं। आपको कई बार कहा, जैन दर्शन में भक्ति भगवान को प्रसन्न करके अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं है, भगवंतों को समझकर, भगवंतों के द्वारा बताए गए तत्वों को समझकर सुखी होने का उपाय समझने के लिए ये भक्ति है। आप कभी वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास लौकिक में? डॉक्टर साहब नमस्कार, कहिए कैसे आए? थोड़ी तकलीफ है। क्या तकलीफ? बोलो, कब से कैसी? बोलो, उपाय उपाय लेने के लिए तो जाते हो। उसने उसकी विधि बताई, तुमने आकर के सेवन किया, ठीक हो गए। ऐसे ही भगवान सुखी होने का उपाय बताते, समझो समझ और अनुभव करो, सुखी हो जाओ। भगवान कोई अलग नहीं होते, दूसरा भगवान ढूंढ रहे हो। हैं, मंदिर के सामने क्या लिखा है पढ़ा होगा आप लोगों ने, देवालय में विराजमान भगवान। देवालय में विराजमान भगवान को समझने के लिए, देखने के लिए है, स्मरण करने के लिए है। देह रूपी देवालय में विराजमान अपने चैतन्य परमेश्वर को निहार, समझ, उस चैतन्य परमेश्वर की आराधना से ही तू सुखी होगा, दूसरा कौन तुझे सुखी करेगा? स्वानुभव के बिना कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है, और स्वानुभवी जीव को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं, कौन दुखी करेगा? सुख दुख का संबंध पर से है ही नहीं। पिछले दो दिनों का स्वाध्याय बताना, अज्ञान चेतना पर सन्मुख उपयोग दुख का कारण, ज्ञान चेतना स्वसन्मुख उपयोग सुख का कारण, पर द्रव्य न सुख के कारण न दुख के कारण। हमने सोचा भगवान अलग होते हैं, हम नहीं, अरे तेरे भीतर भगवान विराजमान है, पहचान पहचान।
जो जी पुरसार करे स्वयं भगवान बन सकता है, जो जी माने हम भी पुरसार करें भगवान बन सकते हैं, माने सुखी हो सकते हैं, ये शिक्षा भगवान ने दी। मतलब एक वाक्य सिद्धांत का है और सिद्धांत से फिर आचरण की शिक्षा है। भगवान करता धरता नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है। क्या मतलब हुआ? भगवान के ऊपर तुम अपना कल्याण मत छोड़ो। जैसे लौकिक में कहीं जाते ना, कोई काम हुआ, मान लो बिजली खराब हो गई, गए वहां ऑफिस में, एक एप्लीकेशन दिया, सब बिजली खराब हो डीपी पर, वो आया मिस्त्री और ठीक कर गया। ऐसी व्यवस्था यहां नहीं है कि आप आए और भगवान हम बहुत हैरान है, बहुत दुखी है, बस अपनी भक्ति कर आए और वो उनके द्वारा कोई आएगा तो तुम्हें सुखी कर जाएगा, ऐसा नहीं। करता धरता नहीं है, क्या मतलब है? तुम्हारे करता धरता नहीं माने तुम्हारा दुख दूर वे करें, तुम्हें सुख वे दे रहे, ये व्यवस्था नहीं है। भगवान ज्ञाता दृष्टा है, अनंत भगवान ज्ञाता दृष्टा हुए हैं, सिद्ध भगवान भी ज्ञाता दृष्टा हुए हैं और भगवान आत्मा भी ज्ञाता। कैसी सुंदर प्यारी लाइन है अमृतचंद स्वामी की, है ये भगवान ज्ञाता द्रव्य है। अच्छा, भगवान करता धरता नहीं है और ज्ञाता दृष्टा है, इसलिए वे परम सुखी है, अनंत सुखी है। इसका मतलब है सुखी होने के लिए कर्तत्व तो छोड़ो, मिथ्या कर्तत्व बुद्धि और मिथ्या कर्तत्व के विकल्पों को छोड़ करके ज्ञाता स्वरूप अनुभव करते हुए, ज्ञाता दृष्टा रहते हुए सुखी हो सकते हैं। कर्तत्व बुद्धि को रखते हुए, कर्तत्व के विकल्पों में उलझे हुए, हम कर रहे हैं, हम करेंगे तो होगा, देख कर ले तो देख, हमारे बिना कैसे काम चल रहा है। इस कर्तत्व के अहंकार से तुम अनंत काल में भी सुखी नहीं हो सकते, भीतर भीतर दुखी होगे, होने वाला कार्य होगा तो हाँ ये तो हो, अब क्या करें, चलो भैया अपन श्री लेवे के लिए पहुंच जाओ, सारे हो जाओ। ये अपनी जीवन की ऐसी मोटी मोटी भूलें जो सारे हमारे, ये समझो सारी हमारी स्वाध्याय को ऐसा सब बाहर चला जा। हम सोचते हैं बहुत कर रहे हैं और प्रारंभ भी नहीं हो पाता, तो वस्तु व्यवस्था को समझना ये पहला उपाय है। समझना व्यवस्था तो है, नहीं समझो तो भी वही व्यवस्था है। जो अपने को अजर अमर समझे बैठा है पर्याय दृष्टि से, उसकी भी पर्याय बदलेगी। जो अपनी संपदा को ध्रुव समझे है उसकी संपदा भी अध्रुव है। जो पर को अपना समझे वो उसकी वो भी पर पदार्थ, उसके भी पर पदार्थ जिन्हें वो अपना समझे वो भी पर हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई बांट सकेगा आपकी पीड़ा को? है कोई परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में है कोई जो तुम्हारी पीड़ा को बांट सके? विचार तो करो, सोचो समझो। वस्तु व्यवस्था समझना पहला उपाय है। क्या वस्तु व्यवस्था है? अनाज निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, अपनी अपनी मर्यादा लिए स्वयं परिणम की, उद्गल अपनी मर्यादा में परिणमता है, जीव अपनी मर्यादा में परिणमता है। ये उद्गल देखो किस रूप पर, नाना रूप ये परिणमता दिखाई दे रहा है, और आत्मा ज्ञान रूप परिणम रहा है, और ज्ञान स्वभाव से विमुख होकर के जबरन मोह रूप परिणम रहा है। कोई परिणम मोह जबरन नहीं करा रहा है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके स्वयं राग द्वेष करता है और स्वयं दुखी होता है। कोई जबरन राग द्वेष नहीं करा रहा, कोई जबरन दुखी नहीं करा रहा। अनाज निधन वस्तुएं है भिन्न भिन्न, अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमते हैं।
कोई किसी के अधीन नहीं। तुम अपने को किसी के अधीन क्यों समझ रहे हो? सब हमारी माने तब हम सुखी हो, पदार्थ हमारे अनुकूल हो तब हम सुखी हो, ऐसा कोई ना कोई प्रतिबंध नहीं। सारे पदार्थ शरीर अपने अनुकूल नहीं परिणाम है, प्रतिकूल परिणमता रहे तो अभी हम सुखी, भेद ज्ञान करके सुखी होने के लिए बोलो दो शब्द बोलो। हाँ, समर्थ भी है स्वतंत्र भी। उसका एक उत्कृष्ट दृष्टांत दिया था, करवट भी नहीं बदल सकते हो उस समय भी उपयोग बदल करके सुखी होने के लिए स्वतंत्र हैं और समर्थ। करवट बदलने की ताकत नहीं। जरा से एक चम्मच पानी नहीं भीतर जा रहा, एक चम्मच पानी नहीं जा रहा, उस समय भी अतीन्द्रिय आनंद का रस पीने के लिए और शांत रहने के लिए, तृप्त रहने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अनुभव तो करो, ध्यान रखना स्व के लक्ष्य के बिना स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं होता। कैसी इस जीव की अनादिकाल की कुटे पड़ी है, जो अपने को कष्ट है केवल दूसरों के द्वारा किया हुआ। कोई देवता परेशान कर रहा है, कोई कर्म परेशान कर रहे हैं, ये घर वाले परेशान कर रहे हैं, ये समाज परेशान करती है, तुम्हारी कथा नहीं तुम्हारी परेशान कर रही है, तुम्हारा अज्ञान परेशान नहीं कर रहा और सब परेशान कर रहे गुरु। ऐसा जीव अनंत काल में भी सुखी नहीं हो सकता। ऐसी विपरीत कल्पनाओं से, ऐसी विपरीत कल्पनाओं से इस जीव ने अपने दुख को ही बढ़ाया है, संसार बढ़ाया है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, दुख बढ़ाया है। विचार तो करो, देर लगाने लायक बात नहीं है, देर लगाने बात। कोई किसी के अधीन नहीं, हमारे बिना कुछ भी नहीं रुकेगा काम। अब हमको अभी उठ के चले जाए क्या रुकेगा? अरे साहब सबरे प्रवचन बंद हो गया, आप चले जाओगे तो फिर क्या होगा, प्रवचन कौन करेगा? अरे अब हम कब से कर रहे हैं ये तो बताओ, मंदिर तो कब से था, पहले भी प्रवचन होते थे और हम नहीं होंगे तो अभी होंगे। ब्रह्म में मत रहना, हम चले जाएंगे तो क्या हो। विचार तो करो, विचार तो करो। पिताजी के चले जाने के बाद है, बच्चे दो हैं तो दो दुकानें हो जाती, तीन हैं तो तीन दुकानें हो जाती, क्या क्या रुकता है बताओ? मोह में केवल अपना आत्म कल्याण रुकता है, बाद बाकी कुछ भी रुकने वाला नहीं है। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा। तुम्हें अपना हित करना है तो निवृत्त हो जाओ इन दुर्विकल्पों से। बे का कहेंगे, जी का कहेंगे, बे का होगा वहां क्या होगा, ये सारे विकल्प छोड़ो। अपना कल्याण करना हो तो कोई किसी के अधीन नहीं, माने हमारा कल्याण भी, हमारा मुक्ति मार्ग भी किसी के अधीन नहीं है और कोई हमारे अधीन नहीं है। कोई किसी के परिणमाते परिणमित नहीं होता, कोई किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं होता। दो टुकड़े करो, मेरे परिणमाने से ये सब परिणमित नहीं हो रहा। विकल्प अलग, ज्ञान अलग, राग अलग, भाषा वर्ण का परिणमन अलग, हाँ ये देखो सब अलग है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अपने अपने से होती है, अपने अपने लिए होती है। पुण्य की संपदा पुण्य के लिए और तुम्हारी संपदा तुम्हारे लिए।
बिल्कुल निश्चय कर लो ये बात, पाप के लिए और भोगों के लिए कुछ भी नहीं। पुण्य के उदय से संपदा मिली पुण्य के लिए, और पाप के क्या नाम, हमारी संपदा ज्ञान समय शक्ति वो हमारी हमारे लिए आराधना के लिए। मुनराज में और ग्रस्तों में यही तो अंतर है। ग्रस्तों का अब पूजा का टाइम, अब स्वाध्याय का टाइम, भोजन का टाइम, अब दुकान का टाइम, अब सोने का टाइम, और मुनराज का 24 घंटे आराधना का टाइम। 8 बज गए तो आराधना, 10 बज गए क्या आराधना, 11 बज गए क्या आराधना। एक ही देश है, एक ही काम है, एक ही लक्ष्य है, एक ही साध्य है, एक ही ध्येय है। अब सिद्ध भगवान जैसा सुख चाहिए तो सिद्ध भगवान जैसी दृष्टि और सिद्ध भगवान जैसा ही आचरण चाहिए स्वरूप लीनता। मुनराज जैसा सुख चाहिए तो मुनराज जैसी आचरण चाहिए, दृष्टि ज्ञान आचरण मुनराज जैसा चाहिए। आत्मिक सुख चाहिए तो आत्मामय आत्मदृष्टि चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, आत्मलीनता। हमें तो इंद्रिय सुख चाहिए, झूठ बोलते हो। इंद्रिय सुख सुख ही नहीं है, ये तो लगता है इंद्रिय सुख चाहिए। अच्छा बताओ इंद्रिय सुख किसको चाहिए? और चाहने से इंद्रिय सुख मिलता है क्या? इंद्रिय सुख सुख है क्या? इंद्रिय सुख चाहिए तो सुनो, इंद्रिय सुख की सामग्री पुण्य उदय से मिलती है, उसको भोगने वाली इंद्रियां भी पुण्य उदय से मिलती है, ठीक है। समय भी पुण्य उदय से मिलता है, शक्ति भी पुण्य उदय से मिलती है, सब पुण्य उदय की है ना। और वह पुण्य भी त्यागी, चाहने वालों को नहीं मिलता। इंद्रिय सुख की वांछा करने वालों को पाप बनता है। बहुत लोग सब, अब देखो कार्य तो अपने उदय से होगा, भवितव्य अनुसार होगा, प्रसाद तो करना पड़ेगा। मैं क्या करना पड़ेगा बता, क्या करना पड़ेगा? अब जैसे पैसा तो अपन उदय से आएगा, अब अपन को प्रसाद तो करना पड़ेगा, माने दुकान खोलनी पड़ेगी, सर्विस करनी पड़ेगी, टाइम पर पहुंचना पड़ेगा, फलाना कहा। अरे प्रभु तुम कहां गए हो? प्रसाद करना पड़ेगा माने भेद ज्ञान रखना पड़ेगा, ये संपदा हमारी संपदा नहीं, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तुम्हारा ये पैसा कैसे आएगा? अरे पैसा, पैसा की चाह मिट गई फिर क्या जरूरत रह गई, एक बात। दूसरी, ऐसी भावना भाने वाले जीवों को निचली भूमिका में साथ से पुण्य होने से इंद्रादिक संपदाएं, चक्रवर्ती की संपदाएं भी बिना कमाए अपने आप मिलती। तुम्हारी गाड़ी खराब हो या पाप का उदय वो बीच में खड़े रहो, और पुण्य का उदय हो बीच में किसी बस से ही जा रहे हो और रुक के गाड़ी खराब हो गई, तब तक कोई आया कहा भाई आप कैसे खड़े? नहीं बोले वो जरा बस खराब हो, अरे तो बेरो गाड़ी आ गई। काय को लगे इन बातों में, पागलपन देते हो तुम। पुण्य के उदय में अनुकूलता ढूंढने नहीं जानी पड़ती, और पाप के उदय में प्रतिकूलताएं बुलानी नहीं पड़ती। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं ये सब पुण्य पाप के उदय में स्वयमेव आती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध अधीनता के सूचक नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होते जो परस्पर में, वो अधीनता के सूचक नहीं है। जैसे कोई दृष्टांत बताओ, अपना ही बताओ, आपके चेहरे पर कुछ कालिख लगी जरा सी है ना, अब आपने दर्पण देखा तो कालिख दिखेगी कि नहीं? लगी है तो दिखेगी, लगी है तो दिखती है कालिख, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप छुटाने के लिए पराधीन हो गए। अब भैया जब दर्पण में दिख रही है तो भैया अब हम कैसे छुटा सकते हैं? अब दिखना बंद हो तो छुटा, अरे तू छुटा दे, देखना बंद हो जाए। भगवान के ज्ञान में जो झलका ऐसा होगा, बात तो सच्ची है,
लेकिन तुझे ज्ञान में, तुझे मालूम है क्या झलका है? जब तक मोह रहेगा तब तक दुख रहेगा, ये झलका भगवान के ज्ञान में। जब ज्ञान होगा तो मोह का अभाव होगा, दुख का भी अभाव होगा, ये भी झलका है। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा भाई, पर में तेरा पुरुषार्थ नहीं चलेगा, पर में तेरा पुरुषार्थ नहीं चलता। पर में पुरुषार्थ चलाओगे तो क्या होगा तुझे, क्या मिलेगा बताओ? पर में पुरुषार्थ चलाओ, मान लो कोई दृष्टांत बता दे, हैं पराई जमीन पर वो बेचारा यात्रा करने गया और उसने लेकर के अपना पूरा ठोंक दिया, अपना भवन बना दिया, कब्जा कर दिया, लेकिन जब आएगा तो झगड़ा होगा, हैं चलो झगड़ा होगा, कोर्ट केस होगा और अंत में आपको निकलना पड़ेगा क्यों? तो ऐसे तुम शरीर को अपना मान मान करके बस अपने ठोक दिया। शरीर कुछ बेचारा बोलता नहीं है, शरीर कुछ जानता नहीं, कुछ कहता नहीं, तुम जबरन ये हमारा, ये मैं हूँ, ये हमारा, ये मैं हूँ, ये हमारा, ये है, ठीक है कर लो बेटा, कब तक करोगे, कब तक करोगे? अब शरीर बिगड़ रहा है, अब रो बताओ करो क्या करोगे? और अंत में शरीर छूटेगा, अब रो क्या करोगे? हाँ जी कहा और कहा और तुम्हारे विपरीत मानता का फल है। भगवान ने पहले ही कहा था इस शरीर को अपना मत मानना, परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं है, अपना ही अपना होता है, अपना स्वरूप समझ लो, समय रहते इस स्वरूप को समझे बिना बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े पंडित विद्वान तार्किक हैं, डॉक्टर वकील चाहे कोई भी हो को मरण से मरते। सुख का, सुख से जीने का और सुख पूर्वक देह छूटने का मरण तो है ही नहीं वो, इसलिए सुख पूर्वक जब तक देह है तब तक यह आनंद से रहे और जब देह छूटे तो भी आनंद से जाए, इसका एक ही उपाय है हमारी परिणति में भेद ज्ञान। अपनी मर्यादा में आ जाओ कोई कष्ट नहीं। अच्छा लौकिक व्यवहार में भी अगर आप मर्यादा से बोलो कोई झगड़ा होगा? अपनी अपनी सीमा में दोनों सेनाएं लगी रहे, कभी युद्ध होगा? मर्यादित भोजन करो, मर्यादा में भोजन करोगे तो बीमार होगे? पूछो डॉक्टर से किसी, ध्यान रखना अकेला मर्यादित भोजन नहीं, भोजन भी मर्यादा में भोजन करो। हाँ मर्यादित भोजन भी मर्यादा में, उसको भी ज्यादा खा जाओगे तो बीमार हो गई। मर्यादित भोजन और मर्यादा में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, आसक्ति से नहीं उसको भी बड़े निष्पहता है, दान पूर्वक संयम के लिए, ये भाव शुद्धि होती है इसमें। दिन में सूर्य के एकदम भड़बड़ करके नहीं, झपट्टे टोटो मलजी निकाल ना, झपट्टी मारता है, झपट्टी मार कर नहीं, निष्प्रयता है। आप देखो कैसे बीमार पड़ोगे, मर्यादा में रहे कोई स्त्री, बोलो क्या होगा? अपने यहां का दृष्टांत नहीं है, पद्म पुराण का है, रामायण में है ये तो चर्चा है कि वे लक्ष्मण रेखा खींच गए के सीता जी से कहे मां बाहर मत निकलना, रावण आया उसने देख लिया, उन्हें कहे देखा ले यहां से नहीं लेंगे, बाहर आ गए, बाहर निकलेंगे काम खत्म। परिणति बाहर ना निकले अपनी, कैसा ही पाप का उदय हो, घोर उपसर्ग हो, घोर परिचय हो, चाहे कहीं भी चाहे कोई प्रसंग हो, बोलो कौन दुखी करेगा? जब परिणति बाहर बहिर्मुखी होती है तभी दुखी होता है। बहिर्मुखी उपयोग पर सन्मुख उपयोग के अलावा विश्व में कोई दुख का कारण नहीं। जब बहिर्मुखी उपयोग से दुखी होता है तब कर्म का उदय, नो कर्म के संयोग, परिस्थिति सब निमित्त मात्र हैं, उनको दोष देना अन्याय है, अनीति है। तो पढ़ने चाहे कोई किसी के अधीन नहीं, कोई कोई मत करो,
ये अध्यात्म मार्ग है, निर्गंध मार्ग है। कोई जगत का पदार्थ मेरे अधीन नहीं है, किसी का अपने को स्वामी मत मानो, कर्ता मत मानो। अधिकार की बातें अधिकार को पतन पात अधिकार कई बार कोई प्रसंग बन जाता ना, तुम भैया ये बताओ तुम मालिक हो के व्यवस्थापक हो? अरे आपके नाम जिस जमीन की रजिस्ट्री है आपको मालूम होना चाहिए संविधान की भाषा, आप उसके मालिक नहीं। जिस जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम है उसके मालिक आप नहीं है संविधान के अनुसार, मालूम है आपको? अगर सरकार को किसी कार्य के लिए वो जमीन चाहिए तो वो अधिग्रहण करेगी, आपको मुआवजा देंगे, यहाँ से सड़क निकल रही है, यहाँ से फलाना होना, आपको मुआवजा, यहाँ बांध बनेगा, यहाँ फलाना होगा, आपका घर पड़ता है, आप जाइए दुकान पर भी जाइए, आपको जगह दूसरी देंगे वो अलग बात है, लेकिन आप मालिक नहीं हो। हमें खूब याद आती सब घूम को पाल की, माने समझ गए कोई किसी के अधीन अर्थ क्या कह रहे बोलो। अधिकार की भाषा का प्रयोग मत करो, अधिकार की भावना को मत छो, पर के ऊपर अपना अधिकार मत दिखाओ, मत जमाओ। कोई किसी के अधीन है, कोई पदार्थ मेरे अधीन नहीं है, मैं इनका स्वामी नहीं हूं, मैं इनका कर्ता नहीं हूं। नहीं मान रहे तो मत मानो भाई, हम क्या करें, ये तो निष्प्रयता का मार्ग ही है। सब जीवों को मुक्त मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, जिनने समझा भव दुख ना सा, जिनने समझा भव दुख ना सा, नहीं समझा दुखी रहे तो क्या करें इसके लिए। और मेरा कल्याण भी सब व्यवस्थाएं अनुकूल हो जाए तब, व्यवस्थाओं के अधीन है हमारी नहीं, जंगल में क्या व्यवस्था थी, जिन व्यवस्थाओं को बनाने में आप जुटे हो, व्यवस्थाएं तो भगवंतों ने छोड़ी थी, सारी व्यवस्थाएं छोड़कर ऐसी जगह गए थे जहां कोई व्यवस्था नहीं थी। बोलो जंगल में गए थे, तीर्थों में गए थे, तीर्थ तो बाद में कहलाए ना, कहां गए थे? जब नेमि कुमार विरागी होकर गिरनार पर गए तो कितनी सीढ़ियां थी और कितनी बढ़िया सड़क थी, क्या गाड़ी जाती, बता बता भाई। देखो खोज अखंड पुराण में कुछ लिखा हो, अरे जिन व्यवस्थाओं को आप जुटाने में अपना जीवन स्वाहा कर रहे हैं, पुण्य स्वाहा कर रहे हैं, ज्ञान और शक्ति स्वाहा कर रहे हैं, उन व्यवस्थाओं को तो भगवंतों ने छोड़ा है। कभी कभी कोई अभिमान से कोई जरा बैठा आदमी ऐसा है ना, ए कहा तू अपने दिखाते ऐसी तो हमारे घर छोड़े आए हम भी, कहा अभिमान में पड़े दिखा रहे हमें तुम, ऐसी तो बेटा हम भूल गए, तुम हमें बातें बातें बनवाया बना रहे हमारे सामने, ये सब भूल गए हम, तुम हमें पढ़ाए रहे। हमारी करुणा को तुम ये समझ रहे हो, ये तो पागल है, ऐसा मत समझ बैठना। अध्यापक ने देखा और नकल करा, अब बोर्ड की परीक्षा चलो ने कहा देख रहे हैं, वन एस ओवर कर लो अपने कल चला, तुम ये समझते हो अध्यापक ने देखा नहीं, वो बुद्धू है, ब्रह्म में मत रहना, उसका कर्म तुम्हें बंधा है, उस कर्म का फल भोगना होगा। कुछ कही नहीं तो तुमने सोच लिया अब ठीक है कछु बात ही नहीं, अच्छा वस्तु व्यवस्था को समझो, अधिकार की भाषा को छोड़ देना चाहिए, अधिकार की भावना को, अधिकार परमाणु मात्र पर अपना अधिकार नहीं। बोलो ऐसे ही परिणाम बनाए रखना, रात भर ज्यादा देने की बात नहीं, रात भर ऐसे ही परिणाम रखना जो अभी है, रख सकते हो? तो उठो चलो भाई अब सोएंगे। बोलो क्यों, ये कहां से आ गया, क्षण
क्षण क्षण में परिणाम बदल रहे, परिणामों पर तो तुम्हारा अधिकार नहीं है। जैसे कोई दो बच्चे लड़ने लगे ना और दूसरे के बच्चे सिखाओ, तुम अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहे हो, अपने घर हो ये दे रहे उपदेश, तो ऐसे करे तुम अपने परिणामों को तो पर तो तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों भैया? शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है और तुम दुनिया के अधिकार की बातें कर रहे हो। कोई किसी के अधीन नहीं, अधिकार की भावना को छोड़ देना चाहिए। आज हैं हम, अगर तुम्हें पुण्य के उदय से लोक व्यवहार में अधिकार मिला है तो उपकार कर लेना चाहिए, और नहीं तो धिक्कार। ये नीति आ गई इसमें। द्रव्यानुसार चरणम भाई, सिद्धांत के अनुसार ही हमारा पूरा आचरण बन जाता है। और मेरा कल्याण किसी के अधीन नहीं, ये दूसरों पर दोषारोपण करने की जो प्रवृत्तियां पड़ी हैं, क्या करें? हम तो बहुत चाहते, हम बहुत करना चाहते, आप समझते नहीं हमारी भावना को। हाँ, हम नहीं समझते, हम नहीं समझते, समझाओ, हमें समझाओ, हम नहीं समझते, आप समझते नहीं हमारी बात। हम बहुत करना चाहते, बहुत करना चाहते, अरे तुम कुछ नहीं करना चाहते, तुम अपना कल्याण तो कर लो। करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, उसको करने की विधि है, बड़ी विनम्रता से, बड़ी सरलता से। क्या लिखा है तुम्हारी? शुद्धात्मा की आराधना, जिन शासन की प्रभावना, महाकार्य है। अत्यंत विवेक से, समर्पण से, विनय से, विशुद्धि से करने लायक है। अभिमान से नहीं कर पाओगे, मनमानी प्रवृत्ति से नहीं कर पाओगे, स्वच्छंदता से नहीं कर पाओगे। सच पूछो, समझाने का मार्ग ही नहीं है, समझने का मार्ग है। इन्हें मोक्ष मार्ग में लगना है, उन्हें समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए, समझाने की प्रवृत्ति शैली को बंद कर देना चाहिए। समझो, आप समझो, अरे आपको मत समझाओ, तुम समझो इनको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं, हर परिस्थिति में हमको समता रखना चाहिए, क्यों? हमें अपना हित करना। इतनी भी अगर व्यवस्था ना हो, इतनी भी अनुकूलता ना हो, तो किसका दोष है जो बता? किसी का दोष नहीं। उदय प्रमाण सामग्री, उदय प्रमाण व्यवस्था, आज ऐसा उदय इसके परिणाम का, ऐसा परिणाम, खत्म हो गई बात। अनाज निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणाम आए नहीं परिणमता। जब तक ऐसी वृद्धि रहेगी, ऐसी बुद्धि रहेगी और ऐसी प्रवृत्ति रहेगी, क्या पर को मैं अपने अनुकूल परिणमाऊं और मैं सुखी हूं, सबको अपने दबा करके रखूं, सबको अपने हिसाब से घुमाऊं, सबको अपने हिसाब से चलाऊं, तब तक ये जीव मोक्ष मार्ग को समझ भी नहीं सकता। ये भ्रम है तेरा। दृष्टांत क्या दिया? मुर्दे को कोई जिंदा मान करके उपाय करे सुखी होने का, कोई उपाय नहीं। मुर्दे को मुर्दा मानकर उससे मोह छोड़े, यही सुखी होने का उपाय है। ऐसे इस मुर्दे को मुर्दा मान करके मोह छोड़ो। ये शरीर मुर्दा है, मुर्दे को मुर्दा मान करके मोह छोड़ो, यही सुखी होने का उपाय है। दूसरा कोई सुखी होने का उपाय न था, न है, न होगा। भगवान के ज्ञान में तो नहीं आया भाई। अब तुम्हारा कोई ज्ञान ज्यादा हो तो भाई तुम जानो, हम क्या करें। विचार करो भाई। ओम नमः।